Can you see my screen now? Okay, I'm pretty sure. अगर आप मुझे पहले बता देते, I'm sorry for this. चलें. So I was talking about the terminologies, the fashion terminologies, which are very important for everyone to understand, right? So terminologies में कौन-कौन सी basic terminologies हैं? ये आप सबको पता होनी चाहिए. The first one is the outwears. Outwears वो होती हैं जो normal wears के ऊपर आप wear up करते हैं. Like jackets, coats, shawls, and things like this. ठीक है? अब हम basically इसका purpose ये है इन सारी के सारी basic details का कि आपको at least starting from the name आपको सब के सब पता होने चाहिए, right? इसकी measurement कैसे की जाती है? And start ये कहाँ से होता है? कोई भी brand ये इसकी measurements की detail लिखी हुई है कि कौन-कौन सी चीजें हैं while doing the fashion design किसी भी आर्टिकल के साथ जब आपने उसके साथ काम स्टार्ट करना है तो वो कौन कौन सी मेजरमेंट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए ये सारी सारी डिटेल है आई जस्ट नॉट वॉन्ट टू गो इनटू द डिटेल्स आप वीडियो से जाके इसको स्टडी कर लेना ठीक है हम बेसिकली ये सारे कोर्स में करेंगे ये आने वाले क्लासेस में कि हम इनमें से कोई भी आर्टिकल लेट्स सपोज रैप कोट को उठाएंगे और रैप कोट के आर्टिकल को डिफरेंट कलर स्कीमिंग के साथ एंड विद योर ब्रांड नेम हम एक नई शेप के साथ लेके आना शुरू कर देंगे एंड सेम What we can do is with the receiving coat, swing coat, and baby doll, and things like this. As everyone knows, this is what exactly is. This is a hoodie type and a zip-up hoodie. है, ठीक है? And this is cap. This is cardigan, puffer, parka, and those kind of basic details जो आपने usually नाम नहीं सुने होते, but when you move to the market, ये जब आप experts के सामने बैठते हैं, तो इस तरह का कोई नाम आ जाए, तो at least आपको basic knowledge ज़रूर होना चाहिए, ठीक है जी? So इसके अलावा वो कौन-कौन से आउटवियर्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं फॉर योर ओन ब्रांड्स आप जिनके ऊपर अपना फैशन डिजाइन कर सकते हैं उनमें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाया एज एवरीवन नो इन आवर सोसाइटी इंडो पार्क में स्पेशली जहां-जहां पे हम लोग जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां जो फीमेल्स हैं दे वियर हिजाब्स एंड अबाया सो देयर इज नथिंग एज सच रॉन्ग इन इट कि आप इसी को ही अपना आर्टिकल एज एन अपने डिजाइन के साथ एक नया आर्टिकल विद योर ब्रांड नेम आप इंट्रोड्यूस करवा दें एंड द आइडियल वुड बी कि उसकी स्टिचिंग वेयरिंग करने के बाद उसकी जब सैंपलिंग आप करेंगे तो जो भी आपका लोगोज या जो भी आपका ब्रांड होगा दैट पॉप्स अप विद योर ब्रांड नेम ठीक है इसी तरह मतलब आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट टू टेल यू दैट वट एग्जैक्टली इज एप्रन वट एग्जैक्टली इज कोट वट एग्जैक्टली इज डस्टर या लिया लेट सपोज वट एग्जैक्टली इज श्रग shawl, robe, and all those kind of things you all know very well. You all know absolutely. Lekin as an lesson ya as an is shape mein shayad probably aapne kabhi isko understand nahi kiya hoga. So ye sare ki sari effort karne ka purpose ye tha ki aapke samne as an list sari ki sari cheeze aa jaye so that ki jab aap apne notes bana rahe ho ya jab aap go through kar rahe ho to aapke paas ye sari ki sari detail ho. The next is the dresses. As everyone knows that what sort of dresses in the fashion industry जो के renowned है, I'm pretty sure के दो तीन के अलावा आप किसी को भी ज़्यादा idea नहीं होगा, but those are actually this is called shift dress, this is called A-line dress, this is called sheath dress, bodycon, this is called tent dress, empire, strapless, halter dress, this is called shoulder dress. हमारे यहाँ ये usually नहीं होता, लेकिन Apron dresses is usually available in the market for the kids and छोटी बच्चियों के लिए हम लोग ये design और इस basic से काम करते हैं same exactly goes with the jumper dress same exactly goes with the sundress wrap dresses pouf and slip dresses and ये सारे के सारे वो dresses हैं जो अब आपको इस course करने के बाद आपकी fingertips पे होनी चाहिए जैसे ही आप market में जाएं you find something like this आपको ये कोर्स और उसका ये वाला लेक्चर याद आना चाहिए कि ओके उस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि दिस इज कॉल्ड बॉल गाउन राइट दिस इज कॉल्ड बॉल बिकॉज इट्स लाइक बॉल टाइप जो ओपन हो जाता है इट्स लाइक बॉल गाउन एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सी यूजुअली मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा चल रही है एंड इसके अलावा इफ यू रिमेम्बर या एक और ड्रेस है जो कि आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में है दैट इज कॉल्ड कुर्ती is a common name lekin kurti kyunki it's not a standard ye time ke hisab se change hota rehta hai that is why that is not that sort of dress is not available in this list lekin is tarah ki bahut sari cheeze aur bhi hain
लाइक पजामास के डिफरेंट डिजाइंस हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, वो चेंज कभी अकॉर्डिंग टू दी वेदर, अकॉर्डिंग टू दी जियोग्राफिक लोकेशन चेंज होते रहते हैं. लाइक जो डिजाइन, जो हम डिजाइन कराची में यूजली ज्यादा यूज होते हैं वो लाहौर में नहीं यूज होते, जो लाहौर में ज्यादा यूज होते हैं वो इस्लामाबाद या पेशावर वाली साइड पे थोड़ा सा ट्रेंड वाइज चेंज होता रहता है. सो यू मस्ट हैव टू कीप दैट इन माइंड. फर्दर इसकी मेजरमेंट कैसे होती है, दीज आर द स्टैंडर्ड्स जो आपको बेसिक पता होने चाहिए. फर्दर दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेलर जो कि मशीन पे बैठ के ये सीम करेगा. लेकिन अगर आपको ये पता है कि व्हाट डज दिस मीन, बर्स्ट, नैप टू वेस्ट, नैप कहते हैं आपके गर्दन की बैक वाली साइड को, एंड आर्म होल डेप्थ कितनी होनी चाहिए, बैक वेट, नेक साइज, शोल्डर, बैक वेट, चेस्ट, एंड दो सॉर्ट ऑफ डिटेल्स जो आपके पास बेसिक होनी चाहिए कि जब आप इस ब्रांड के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये सारी के सारी बेसिक डिटेल हो. ओके जी. इसके अलावा पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं, लेकिन ड्रेसेस के जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, मैं उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं. आपके पास जो टाइम, जब भी टाइम हो, आप इनमें से कोई ब्रांड ये उठाएं, जाके गूगल पे सिंपल इसको सर्च करें, ट्यूब ड्रेसेस, ठीक है, शीट ड्रेसेस, ब्लाउज ऑन ड्रेसेस, ट्यूनिक ड्रेसेस, पेंसिल ड्रेसेस, ट्रेंच ड्रेसेस, बैंडेज ड्रेसेस, हाई लो ड्रेसेस, एंड इसके अलावा भी देखें ना, दिस इज 20 एंड बाय द वे 42 टोटल थे, 41 या 42, आउट ऑफ दैट मैंने 40 आपके लिए यहाँ पे लिखे, ताकि एटलीस्ट गो थ्रू दिस वीडियोस, जब आपके सामने ये पूरी के पूरी काइंड ऑफ डिक्शनरी ओपन हो जाएगी तो आपके सामने इतना बड़ा एक वाइड एरिया ओपन होगा कि आपको बहुत नॉलेज अब मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ से, राइट. सो दैट के बाय द एंड जब आप ये सेशन आज का कंप्लीट हो तो आपके पास ये सारी की सारी लिस्ट एज एन ऑन योर नोटबुक्स, या आइदर इफ यू स्टिल नॉट ऑन नोटबुक्स, वीडियो के थ्रू आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. द थर्ड वन इज द स्कर्ट्स. यूजली हमारे यहाँ स्कर्ट्स यूज होती हैं फॉर द बेबीज के लिए, अंडर 10 एज गर्ल्स के लिए, और गोरों में नॉर्मली यूरोप में, अमेरिका में इट्स अ बेसिक थिंग. स्कर्ट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, स्ट्रेट स्कर्ट्स हैं, पेंसिल स्कर्ट्स हैं, ए लाइन, पैक्ड, स्लिट, काउल, अब ये प्लेट है, इसी तरह बहुत सारी और किस्म की हैं, लेकिन मैंने जस्ट बेसिक एज एन नाम के साथ, ट्रम्पेट के नाम से और राउंडेड के नाम से, और ये सारी के सारी डिफरेंट टाइप्स आपके सामने रख दी. सो दैट कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना काम कर रहा है और उसके जहन में बैक ऑफ द माइंड के जरिए चल रहा है कि अंडर 10 इयर्स एज के लिए मैं जब बियर अप डिजाइन करूंगी तो उसमें प्रॉबेबली स्कर्ट वुड बी वन ऑप्शन, तो स्कर्ट के लिए दीज आर द बेसिक ऑप्शंस, ठीक है ना. ये अब एटलीस्ट आपके सामने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एंड देन नाउ यू कैन डिसाइड कि इनमें से कौन सा आर्टिकल आप चूज करके और उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं. फर्दर इसके अलावा बी देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, दिस इज नॉट जस्ट वन लिस्ट, इसके अलावा भी पूरी है. आप वीडियो में से गो थ्रू करके इसको यू कैन फाइंड आउट द नेम, आप फर्दर गूगल पे जाके सर्च करके और इसकी फर्दर डिटेल्स आप जाके सर्च कर सकते हैं. ओके, द बॉटम इज यूजली नॉर्मली इन आर एरिया ऑल्सो इन अराउंड द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड बॉटम. बॉटम मीन्स कि हम उसे पजामा कह देते हैं, समटाइम्स पैंट्स कह देते हैं, पैंटीज कह देते हैं, एंड थिंग्स लाइक दिस. आप इसमें कोई भी आर्टिकल उठाएं किसी भी तरह का, लेकिन रिमेंबर दिस दैट दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स जो कि आपने याद रखने हैं. हमारे यहाँ स्ट्रेटन वन ज्यादा यूज होता है, स्किनी ज्यादा यूज होता है, ये बूट कट नहीं यूज होता, फ्लेयर नहीं यूज होता, लेकिन एज एन फैशन डिजाइन, ये दोनों के दोनों फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में इनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे यहाँ पैक्ड यूज होता है, ये वाला यूज होता है. फाइव पॉकेट जीन्स नहीं इस्तेमाल होता, ये यूजली फाइव पॉकेट जीन्स जीन्स इस्तेमाल होता है, लेकिन फाइव पॉकेट जीन्स यूजली मेन वेयर में या बच्चों के वेयर में ज्यादा इस्तेमाल होता है, फीमेल्स में कंपेरेटिवली कम है. बिल्कुल इस तरह ही जिस तरह ये कार्गो पैंट्स हैं जिनके साइड वाले पॉकेट्स होते हैं साइड पे, ये हम इंशाल्लाह डिजाइन भी कुछ करेंगे और आपको डिजाइन करके भी दिखाएंगे, और इसके ऊपर फर्दर हम डिटेल में कल या परसों आने वाले सेशंस में जो हमारे एक्चुअली स्टार्ट होंगे इन्हीं ब्रांडिंग में से किसी एक के ऊपर हम बेसिकली लाइन सेलेक्ट करेंगे अपनी, कोई एक, लेट सपोज एक यंग वियर का, एक फीमेल वियर का, एक लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं उनके डिजाइन का, और उसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे. साहिबा ईमान, यू आर अगेन लेट. ओके जी, बॉटम के अलावा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज वी यूज्ड टू कॉल इट टॉप.
बड़ा सिंपल प्रिंसेस वेस्ट है, ब्लाउज है, शर्ट्स हैं. शर्ट्स इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन इन आर एरिया. मेरी आवाज आपको नहीं आ रही, कंफर्म? आर यू श्योर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? कोई बंदा चैट में प्लीज, इज देयर एनीवन हु कैन कंफर्म? मेरी आवाज, सॉरी, हु इज दिस? अमन, अमन, आर यू विद मी? यस सर. ओके, लेट मी अनम्यूट. आई थॉट यू आर सिंगिंग एंड गलती से आपने ओपन कर दिया. यस अमन, गो अहेड. आर यू आस्किंग समथिंग अमन? ओके, आई थिंक नो. ये गलती से, बाय मिस्टेक, शायद प्रोबेबली उनसे ये माइक ओपन हो गया. ओके, थैंक यू. राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द टॉप व्यूअर्स, टॉप की मेजरमेंट्स सारी के सारी आपके सामने हैं. इनमें से आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, लेकिन ये वो मेन आर्टिकल है टॉप का, जिसमें ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा तो बंदे इसमें डील कर रहे थे. राइट, उसमें लाइक फॉर एग्जांपल द मोस्ट सिंपलेस्ट इज द शर्ट वन. शर्ट रिगार्डलेस फॉर द मेल, रिगार्डलेस फॉर द फीमेल, दोनों के लिए यूज होती है. आप इनमें से कोई भी टाइप की वेस्टर्न शर्ट ले लें, या ईस्टर्न शर्ट ले लें, या ब्लाउज ले लें, ये तीनों के तीनों आर्टिकल मेन हमारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं. बिल्कुल इसी तरह ही मिलिट्री, मिलिट्री में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इट इज शॉर्ट और इसके दो पॉकेट स्टॉप फ्रंट पे होते हैं. पिंट टॉप इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज कि इसका पॉकेट नहीं होता, ये स्ट्रेटन वन सेंट्रल डिजाइन होता है. एंड इसी तरह टक्सीडो है, टक्सीडो में ये इस तरह का डिजाइन आ जाता है. प्लस आप, आई जस्ट नॉट वॉन्ट कि मैं एक एक करके सबकी डिस्क्रिप्शन बताता जाऊं, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक कर ले. लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस एक ब्रांड, इस एक आर्टिकल पोलो को पिक करें और इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें, जिस तरह कल हमने एक पोलो टी शर्ट को पिक किया था और उसके ऊपर हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी. राइट, उसके डिफरेंट आर्टिकल्स में कल हमने ये किया था यस्टरडे वाले सेक्शन में, दैट वी केम अप विद प्रोबेबली 2 or 3 कलर स्कीम्स. लेकिन मोर देन 12 कलर स्कीम्स के साथ आपने जिस एक आर्टिकल को स्टार्ट करना है, उसकी 12 कलर स्कीम्स बनानी है आपने. 12 कलर स्कीम्स के साथ अब आपके पास जो भी लोगो है, अगर लेट सपोज लोगो नहीं है, तो आप सिंपल ए ऊपर, बी ऊपर और सी उसके नीचे, समथिंग लाइक दिस, बेसिक डमी टाइप लोगो. क्योंकि दिस कोर्स इज नॉट अबाउट द लोगो क्रिएशन. मेरा इनिशियल प्लान था कि मैं 2-3 लेक्चर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू स्विच टू द अदर टॉपिक्स. सो आप लोगो जो आपका बना हुआ है, वेल एंड गुड, नहीं बना हुआ तो आप सिंपल 3 लाइंस लगा लें, थोड़ी मोटी मोटी, एंड दैट्स योर ब्रांड. या सिंपल ABC लिख दें, दैट्स योर ब्रांड. आप उसके साथ, आप पोलो के साथ प्ले कर सकते हैं, सिंपल जर्सी के साथ प्ले कर सकते हैं. एंड दीज आर वेरी वेरी सिंपल बेसिक टूल्स जिनके साथ साथ आप अपने ब्रांड्स बना सकते हैं. So let me move again. Bags is yet another very very important brand in the fashion industry. कितने type के bag होते हैं? There is a long list, huge list. I just do not want to go to the complete list, क्योंकि वो around 250 से ज्यादा बनते थे. लेकिन उनमें से जो basic types थी वो मैं सारी उठा के लिए आपके ले आया. This is called channel bag 2.55. Very basic type of bag, जिसमें ये chain होता है और चेन के साथ दिस इज ग्लॉसी टाइप और चमकदार टाइप. दिस इज कॉल्ड बैरल नोल, क्योंकि ये सर्कुलर में इस तरह वाला होता है. दिस इज कॉल्ड डफल स्क्वेयरिश टाइप, दैट इज द बैग. इसी तरह बाउलिंग, इसी तरह सैचल, इसी तरह टूटी, होबो, मैसेंजर, सैडल, सैडल बैग, जिस तरह सबको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मेंट फॉर. इस तरह ये प्रेस हो जाता है, इस तरह इसका आपके शोल्डर आर्म्स होते हैं. वॉश बैग्स इज एक्चुअली कपड़े का होता है, स्क्वेयरिश टाइप, लेकिन मोर ऑर लेस लाइक इस तरह की शेप उसकी होती है. देन एग्जैक्टली यू नो व्हाट डज दिस क्लच मींस. क्लच, ये जब आप इसको प्रेस करते हैं तो देयर इज अ साउंड ऑफ क्लिक या क्लिक या इस तरह की साउंड आती है, दैट मींस इट्स अ क्लच टाइप. ये रिस्टलेट इज वेरी सिंपल, वेरी कॉमन, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है. इसी तरह बकेट वाला है, जिसको आप ऊपर से यहां से पकड़ के और दूसरे हैंड से इससे नीचे खींचते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. And the second one is the last one is the backpack. So this is the basic information jo ke about the bags hai. Aap ye naam zehen mein rakhein. Again, baar baar bata raha hu, in mein se kisi ek ko apna brand
आर्टिकल बनाएं और इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन इंटरनेट से सर्च करने के बाद यू कैन स्टार्ट विद योर ओन ब्रांड. दैट्स इट राइट. चलो जी लेट्स मूव अहेड. शूज यार आपके लिए इससे बड़ी इंफॉर्मेशन मैं और क्या लेके आता. इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन में हालांकि शायद आपने जिंदगी में इतने टाइप ऑफ शूज कभी नहीं देखे होंगे जितने आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं. देखे पंप शूज. आई एम प्रीटी श्योर के दो चार पांच के अलावा आप में से किसी को भी ज्यादा आइडिया नहीं होगा कि व्हाट दो सॉर्ट ऑफ नेम्स ऑफ दीज शूज. मैरी जॉन्स टी स्ट्रैप. इज देयर एनीवन नोज व्हाई दिस इज कॉल्ड टी स्ट्रैप. बिकॉज इट इज लाइक अगर आप फ्रंट से देखें तो इट पॉप्स अप लाइक टी. एंड स्लिंग बैक जो पीछे से बकल हो जाता है. इसी तरह एंकल स्ट्रैप. इसी तरह म्यूल क्लॉग. इसी तरह सैंडल. एवरीवन नोज व्हाट डज दिस मीन ऑफ. लेकिन अब आपको बाय नेम टेक्निकली ये पता होने चाहिए बिकॉज द एम ऑफ दिस कोर्स इज दैट यू आर जंपिंग इनटू दिस बिजनेस. दिस इज कॉल्ड सैडल विंग टेप. एंड एवरीवन नोज व्हाट द स्नीकर इज. सबको पता है स्नीकर इज वेरी वेल रिनाउंड ब्रांड. आप इसी एक को अपना आर्टिकल बना के और इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं. आने वाले सेशंस में मैं आपको ये एग्जैक्टली स्पेसिफिकली बताऊंगा दैट लेट सपोज आपका आर्टिकल इज समवेयर लाइड कोई भी इनमें से एक को उठा लें एंकल बूट कर दें या कोई फैशन डिजाइन इंडस्ट्री का कोई भी आप. तो ये व्हाट एग्जैक्टली इज द सोर्सिंग ऑफ दिस. ये आप कहां से अपने ब्रांड नेम के साथ बनवाकर लोकल मार्केट मीन्स पाकिस्तान में ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं. सो ठीक है. सो दैट्स व्हाट द होल एम ऑफ दिस कोर्स इज. अच्छा इसके अलावा लेट्स मूव अहेड. देयर इज अगेन इसके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट थी जिसको मैंने कुछ ये ब्लैक एंड व्हाइट था बिकॉज इट्स अ स्केच सॉर्ट ऑफ थिंग और ये बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ कलर्ड जो आइकॉनिक शेप में है. तो आप वीडियो में से गो थ्रू करके इनमें से एक एक के नाम देख सकते हैं और फर्दर रिसर्च करके इनमें से अपना आर्टिकल बना सकते हैं. लेट्स मूव अहेड. एवरीवन नोज हील्स एंड टोज क्या होते हैं. हील्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. दिस इज कॉल्ड किटन हील राइट. जिसका ये बिल्कुल एच होते हैं. दिस इज कॉल्ड किटन हील. दिस इज कॉल्ड कोन हील. कोन बन जाती है. दिस इज कॉल्ड स्पूल हील राइट. चिंकी हील. स्टेलेटो हील. एंड दिस इज कॉल्ड वेज. नो इट्स नॉट हील. एंड टोज के लिए पीप टो. की होल. की होल आगे होता है इसके. राउंडेड टो. एल्बन टो. एल्बन टो. स्क्वेश टो. एंड पॉइंट टो. सो दिस दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हील्स एंड टोज. इसके अलावा अगेन देयर इज अ लिस्ट जो कि कलर्स में अवेलेबल है विद देयर नेम्स स्पेसिफिकली बताया हुआ मैंने. आई जस्ट डू नॉट वॉन्ट कि मैं एक एक करके पढ़ूं. आप वीडियो में देख के पॉज कर लेना हो यहां से जाके फर्दर इसको स्टडी कर लेना. So let's move ahead. Neckwear. Everyone knows what exactly is neckwear. Fashion industry mein this is the standard which actually happens. Kuch hai females ke liye. Vaise usually ties fashion industry mein females bhi wear karti hain aur males bhi wear karte hain. But it all depends ke aapka brand, aapki market, aapki ye sari cheezein kis hisab se hain. Feather bow. Sabko pata hai. Scarf, string, shawl. Ascot tie, bow tie and all those sort of things. ये इनमें से किसी को भी आप अपना brand बनाकर उसके ऊपर working start कर सकते हैं. So that's it, dear students. Thank you very much for joining me today's session. I would request, is there any question from anyone? कि आज के session के मुतालिक अगर किसी को कोई question, कोई query है, तो you can ask me. Otherwise, कल से हम move करेंगे अपने practical lecture की तरफ. कि अब यहां से आपको बेसिक सारी की सारी अंडरस्टैंड होगी. अब आपको ब्रांड्स के मैन्युफैक्चर सॉरी उनके टेक्निकल नेम्स भी पता लगे. इनमें से किस को आप अपना ब्रांड बनाना चाहती हैं अपने आर्टिकल के साथ मैच करना चाहती हैं. सो वी जस्ट हैव टू और थ्री मिनट्स बिफोर वाइंडिंग अप दिस सेशन. इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन. आई वुड रिक्वेस्ट अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अमन सिद्दीकी. कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. Okay, good. Good to see. Aman, where is your younger sister today? Sir, she is studying. So that means this lecture mein she is not with us. No. Okay, Maria, Maria's ki main baat kar raha hu, right? Acha, aaj ka lecture aapko samajh aaya? Ji, sir. There's a very important thing which I would like to ask. What exactly is your plan? सर मेरा सच प्लान नहीं है कोई. आई जस्ट वांट टू डू फ्रीलांसिंग. ओके
राइट राइट सो दैट मींस के चलो अभी तो हमारा थोड़ा सा उसका स्विच हमने कर दिया अपना पर्पस को, लेकिन इन केस अगर फ्रीलांसिंग YouTube हुरिया मकसूद, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हुरिया मकसूद इज आस्किंग व्हाट्स योर चैनल नेम? आप WhatsApp के ग्रुप पे जाएं, वहां से जाके आपको मिल जाएगा, या मैम अक्सा या नो साहिबा ईमान इज देयर, यस द सीआर साहिबा ईमान, कैन यू प्लीज हेल्प आउट हुरिया? Please send her the YouTube channel address जहां से जाके आप ये videos download कर सकते हैं. Anyway,